छत्तीसगढ़ राज्य को राइस बोल ऑफ इंडिया बोला जाता है और रायपुर को स्मार्ट शहर। पर आगे जो दृश्य देखने को मिलेगा उससे छत्तीसगढ़ को गाय भैंस बोल ऑफ इंडिया और रायपुर को स्मार्ट गांव भी बोला जा सकता है। ये जो दृश्य आप देख रहे हो वो रायपुर एयरपोर्ट के ठीक बाहर और नवा रायपुर के प्रवेश पथ पर है। बहुत ही अद्भुत दृश्य है ये जो गाय भैंस दिख रहे हैं, जो पूरे रोड को दखल कर बैठे हैं, ये कौन है, कहां से आए हैं? रात के अंधेरे में चलते चलते अचानक एक काला भैंस अगर गाड़ी के सामने आ जाए तो टक्कर हो सकता है, जाने जा सकती है। वैसा ही एक स्थिति आगे देखने को मिलेगा। ऐसे भैंसों के चलते हेडलाइट को हाई बीम पर रख के गाड़ी चलाना पड़ता है। अपने दाएं साइड में देखिए मवेशियों की झुंड, सब बैठे हैं अपने मालिक के इंतजार में। मालिक तो है लापता। हाँ, इधर भी एक गाय खड़ा है। अब तो कमाल का स्मार्ट दृश्य देखने को मिलेगा नवा रायपुर स्मार्ट गांव में। मैं तो हैरान हो जाता हूँ ये सोचकर ऐसे कैसे हो सकता है। इंसान की जान की कीमत तो थी भी नहीं कभी, अब गाय भैंस की जान की परवाह नहीं करेंगे तो सरकार जी आपको वोट कैसे मिलेगा? कल को अगर 2-3 गाय भैंस टक्कर खा के मारे गए और साथ में 2-3 गाड़ियां क्रैश हो गए और साथ में 8-10 लोग मारे गए तो वो 2-3 गाय भैंस के मौत का जिम्मेदारी कौन लेगा भाई? वैसे इंसान मरे उसमें कौन सी बड़ी बात है? ऐसे टर्निंग में दो काले भैंस बैठे हैं स्पीड ब्रेकर जैसा। अब आगे जो चौक आने वाले हैं, उसे तो सतनामी चौक कहा जाता है, पर स्मार्ट गांव गाय भैंस प्रोजेक्ट के तहत इसे गोमाता चौक भी कहा जा सकता है। यहां पे 100-100 मवेशियों की झुंड बैठते हैं हर शाम और गंभीर बातचीत चलता है उनके बीच में कि उनका रहने का घर कब बनाएंगे सरकार, उनके मालिक कब उनका ठीक से ख्याल रखेगा, उनके इज्जत कब किया जाएगा। सरकार से और यह गाय भैंस के मालिकों से यह विनती है हमारा कि इस विषय पे थोड़ा ध्यान दे। कल को कोई हादसा होगा तो गौमाता आपको माफ नहीं करेगा।